आज हम नवरात्र स्पेशल में बनाएंगे व्रत की एक रेसिपी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में बन भी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिए हैं और दोनों कच्चे आलू के हम छिलके निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इन दोनों आलू को पानी से अच्छे से धो के साफ करके लेंगे। और अभी हम इन दोनों आलू को कद्दूकस करेंगे। और जब हम आलू को कद्दूकस करेंगे तो कटोरी में कोई भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही आलू लिए हैं तो दोनों आलू बहुत जल्दी कद्दूकस हो जाते हैं। तो आलू काले गिरने से पहले ही हमारी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो जाती है, तो इसीलिए इसमें पानी ना डालें। और ये देखिए हमारे जो आलू है वो अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें 2 चम्मच मूंगफली पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच राजगिरे का आटा। इससे पकोड़े बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। 1 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कट करके, थोड़े से धनिया के पत्ते और व्रत का नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी अच्छे से, ताकि जो हमारे जो मसाले हैं वो पूरे आलू में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसे हाथ से मिक्स करिए और इसमें कोई भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि आलू में ऑलरेडी पानी होता है, तो इससे हमारा जो पकौड़े का बैटर है वो अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी हम गैस के ऊपर तेल रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तो थोड़ा सा पकौड़े का मिक्सचर डाल के देखेंगे तेल जो है वो गर्म हुआ या नहीं। तो ये देखिए आलू जो है वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर तेल को गर्म होने देंगे और फिर से सेम तरीके से चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पकौड़ा है वो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और जो हमने पकौड़े का मिक्सचर बनाया है तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में तेल में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और पकौड़ों को तेल में डालने के बाद हमें इसे तुरंत टर्न नहीं करना है। जब पकौड़े तेल में अच्छे से ऊपर आ जाएंगे तब हम इसको टर्न करेंगे और इसे अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और इस पकौड़ों को तेल में बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होने तक ना फ्राई करें, नहीं तो ये पकौड़े खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इसे बस अच्छे से फ्राई करें, ब्राउन होने दीजिए, अच्छे से पकने दीजिए, फिर इसे तुरंत निकाल लीजिए। ये पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और ये देखिए हमारे बढ़िया से पकौड़े बनके तैयार है। हमने इसमें राजगिरे का आटा और मूंगफली का पाउडर डाला है, इससे ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।